दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली की कप्तानी में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 372 रनों से हराकर इस मुकाबले के साथ साथ सीरीज को भी अपने नाम कर लिया और ये साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी बड़े मुकाबले को नहीं हारने वाली है। और आज इसी तरह का शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 CC के सभी टूर्नामेंट को जीत विश्व क्रिकेट की सबसे कामयाब टीम बनने वाली है। वहीं विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की इस जीत पर भारतीय टीम के T20 कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को लेकर एक बयान दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या कहा रोहित शर्मा ने विराट कोहली को लेकर अपने बयान में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए कीवी टीम को शानदार 372 रनों से हराकर टेस्ट मुकाबले की अब तक की सबसे बेहतरीन और बड़ी जीत हासिल की है। और न्यूजीलैंड की टीम को T20 सीरीज के बाद अब टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हार का स्वाद चखा है। न्यूजीलैंड की टीम की ओर से जहां एजाज पटेल ने शानदार 10 विकेट लेकर इतिहास रचा, तो वहीं भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी शानदार प्रदर्शन से कीवी टीम के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाते हुए भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 14वीं टेस्ट जीतने का काम किया है। वहीं विराट कोहली ने एक बार फिर से अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में विजेता बनाया है, जिसके बाद भारतीय T20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बारे में बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में जिस तरह से विजेता बनाया है, मैं सच में बहुत खुश हूं और ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उनकी शानदार कप्तानी की बदौलत ही भारतीय टीम टेस्ट मुकाबले में इतनी शानदार और मजबूत टीम बनी है। उन्हें बेहद ही खुशी है कि उन्हें विराट कोहली की कप्तानी में खेलने का मौका मिला है, क्योंकि विराट जितने शानदार खिलाड़ी हैं उतने ही शानदार कप्तान भी हैं और हर खिलाड़ी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें खेलने का मौका देते हैं। इसके बाद उन्होंने T20 कप्तान के तौर पर बात कहते हुए कहा कि वो विराट कोहली को हमेशा से ही खुद से बेहतर कप्तान मानते हैं, लेकिन विराट के T20 कप्तानी छोड़ने के बाद ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है, तो अब उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो तैयार हैं और उन्हें विराट कोहली पर पूरा भरोसा है कि वो रोहित के कप्तानी मिलने के बाद अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए भारतीय टीम को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा द्वारा दिए गए इस बयान ने सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया और रोहित शर्मा ने तारीफ करते हुए विराट कोहली के बारे में काफी कुछ कहा है। वैसे आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।